जे मासी चाची सुनते हो कि नहीं सुनते हो, अब कहता परचून की दुकान पर जाने से पहले सावधान हो जाओ, अपना का बताएं। वहां राजकुमार नाम का दरिंदा मिल जाएगा जो चढ़ बैठेगा, बलात्कार जैसी वारदात कर देगा। 16 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। जैसर मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जम के रामनगर थाना क्षेत्र का, अब सावधान जरूर हो जाएंगे। जैसर आपको बता दें कि नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भवती होने के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आता। 4 महीना पहले दुष्कर्म की वारदात होती है। बेचारी किशोरी हत्या के डर से किसी को कुछ नहीं बताती। काहे के लिए दुकानदार जब बलात्कार कर रहा था तो चाकू दिखाता है और अंदर घसीट ले जाता है। बलात्कार जैसी वारदात को अंजाम देता है, देह नोच लेता है। उसके बाद होना कहता, जब 4 महीना बाद पेट में दर्द होने लगता है बेचारी किशोरी के, तब बकायदा परिजन तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, निजी हॉस्पिटल, कि जाओ भैया काहे के लिए दर्द होता दिखवा लेते। होना कहता भैया, जब जाँच रिपोर्ट आई तो कहा बताए, सब चौके गए, सबके पाँव तरीके से जमीने खिसक गई कि गर्भवती भैया 16 साल की मासूम बच्ची गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट है। अब होना कहता तुरंत बकायदा माता जी पहुंच जाती है रामनगर थाने अप्लीकेशन लेकर के, कि गाँव के बगले का भैया एक दरिंदा रहता है, एक परचून की दुकान खोल रखा है और 16 साल की हमारी मासूम बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। अब दुकानदार मौके से फरार हो गया। पुलिस बकायदा जांच पड़ताल में और अपराधी को ढूंढने में जुटी हुई है। पर कहा बता, 16 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसको गर्भवती कर दिया। और कहा बताए, राजकुमार नाम है दुकानदार का, फिलहाल भैया अब पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, बकायदा जेले भेजे जाएंगे, कसके तोड़ी जाओगी। और बेचारी किशोरी को बाराबंकी जनपद के जिला महिला अस्पताल में ला करके भर्ती करा दिया गया, मेडिकल चल रहा है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीसी रिपोर्ट की बारपोर्ट। वीडियो को शेयर करा लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शाम में हर जगह से मिलेगी दबा दो बेल आइकन कसके। वैसे बहुत बड़ी बात आती है, अब आपकी कह रहा है कमेंट करिएगा। दुकान पर जाने से पहले सावधान हो जाओ, अपना आज का आजकल का बताएं, हम सीधे घुमा करते हैं।